हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कढ़ाई वाले सूट की कटिंग, जिसमें देखिए कढ़ाई गले पर है। तो देखिए ये बैक साइड है और ये है फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड से देखिए इस तरीके से, सबसे पहले देखिए इस तरीके से कपड़ा पकड़ना है गले के बिल्कुल बीचों बीच। तो आप ध्यान रखें, देखिए गला बिल्कुल इकसार होना चाहिए, ऊपर और नीचे का गला इकसार बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। देखिए इस तरीके से मिला लेंगे, गला देख लेंगे और देखिए कपड़ा बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। ये आगे पीछे कपड़ा है, इससे कुछ कोई बात नहीं, पर गला इक्वल होना चाहिए। आप सबसे पहले देखेंगे गले की बॉटनेस, जितनी आपको बॉटनेस रखनी है, 2.5 इंच 2 इंच इस तरह के निशान लगा कर देख लेंगे। अब देखेंगे गले की लंबाई, जितनी लंबाई रखनी है गले की उसमें 1 या 1/2 इंच प्लस कर कर देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे ऊपर साइड, इस तरीके से देखिए। और इसी निशान से इंची टेप रखते हुए सूट की मार्किंग करेंगे लंबाई पर, जितने आपको सूट की मार्किंग मतलब सूट की लंबाई रखनी है उसमें 3 इंच प्लस करके निशान लगा देंगे। अब रखेंगे तीरा, तो तीरा रखेंगे 5.5 और मुड्डे रखेंगे देखिए 6.5, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच पर मार्किंग कर कर गोलाई दे देंगे मुट्टे में, देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब चेस्ट देखते हैं, जितना आपका फिक्स चेस्ट का नाप हो, जैसे चेस्ट होगा 31 फिक्स नाप है चेस्ट का, उसमें 3 इंच प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 34। 34 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5। 8.5 पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और इसी नाप से कमर और हिप पर मार्किंग कर लेंगे। ये ध्यान रखें कि फिक्स नाप लेना है कमर का, चेस्ट का और हिप का, उसमें 3 इंच प्लस करना है तीनों निशानों में, हिप कमर और चेस्ट में। देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, देखिए इस तरीके से कमर पर निशान लगाना है 7 पर और हिप पर निशान लगाना है 14 इंच पर, ये ध्यान रखें। अब जितने चौड़े आपको पल्ले रखने हैं इतने चौड़े आप रख सकते हैं, हम रख रहे हैं 9। इस तरीके से देखिए मार्किंग कर लेंगे, ये देखिए। अब फालतू मार्जिन रख लेंगे 2 इंच, 1.5 इंच भी रख सकते हैं और 2 इंच भी, बस इतना फालतू। 2.5 इंच रखेंगे तो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा मार्जिन, 2 इंच तक रख सकते हैं। देखिए मार्किंग हो चुकी है सूट की, अब कटिंग कर लेंगे इसी पर, फालतू मार्जिन जो लिया था उस पर कटिंग कर लेंगे, देखिए इस तरीके से मुड्डे पे थोड़ा आराम से कटिंग करें। देखिए कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की, ये देखिए फिटिंग पर मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट के पास जो फिटिंग है उसको तय बना के रखना है, इस ऐसे नहीं फेंकना है उल्टा सीधा। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ये देखिए इस तरीके से बैक पार्ट के लिए कपड़ा इक्वल कर लेंगे, फ्रंट पार्ट लेंगे जो कटिंग की थी, इकसार करते रखते हुए देखिए इस तरीके से कुछ सार इक्वल करके रख लेंगे, देखिए इस तरीके से, देखिए अच्छे से इक्वल कर लेंगे और फिर कटिंग कर देंगे, देखिए इस तरीके से। अब मुट्ठे के पास जाएंगे, यहाँ पर 1 इंच फालतू मार्किंग करके देखिए इस तरीके से, आप देख सकते हैं देखिए ये बैक पार्ट में मुट्ठों में 1.5 इंच की मार्किंग करनी होती है, 1/2 इंच पहले ही और 1 इंच और कर लेंगे मार्किंग। तो कटिंग हो चुकी है पार्ट की, आप देखेंगे स्लिप की कटिंग, देखिए इस तरीके से स्लिप के लिए 2 पार्ट में पहले कपड़ा फोल्ड किया है, फालतू कपड़ा इसको कट करके निकाल देते हैं, देखिए इस तरीके से, देखिए आप करेंगे स्लिप की कटिंग, ये देखिए 4 भाग में कपड़ा फोल्ड करके रखा है। आर्मुल रखेंगे 8.5,
जितनी बाजू की लंबाई रखनी है उसमें 2 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेंगे लंबाई में। अब देखिए साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से आरमोल में गोलाई दे देंगे। और जितनी आपकी बाजू की गोलाई है उसमें 1.5 इंच प्लस करके देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। स्लिप की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए स्लिप कट के तैयार है।